वेलकम टू वेट प्रोफेशनल। आज हम आपको बताएंगे स्कैपुला के बारे में। तो सबसे पहले स्कैपुला जो इस वक्त आप देख रहे हैं, ये ऑक्स का स्कैपुला है। जो स्कैपुला होता है ये फोर लिम्ब की सबसे पहली बोन है और ये अप्लाइड होता है अगेंस्ट द थोरेसिक वॉल। ठीक है, इसकी जो पोजीशन होगी आपको मैं अभी दिखाता हूँ ये किस तरह का होगा। ये आप देख रहे हैं रूमिनेंट यानी ऑक्स का है। तो ये स्कैपुला का आप अरेंजमेंट देख रहे हैं किस तरह का है, अप्लाइड अगेंस्ट द थोरेसिक वॉल और ये डाउनवर्ड होता है इसकी डायरेक्शन और फॉरवर्ड होती है। ठीक है, तो अब इसी स्कैपुला की बात करेंगे हम। ये स्कैपुला सबसे फर्स्ट पार्ट है। ये स्कैपुला एक ट्रायंगुलर बोन है। इसके अलावा इसके दो सरफेसेस हैं, तीन बॉर्डर्स हैं, एक दो और तीन, और तीन एंगल हैं। पहला एंगल, ये दूसरा एंगल और ये तीसरा एंगल। अब बारी बारी हर चीज़ की बात करेंगे। सबसे पहले सरफेस की बात कर लेते हैं। ये जो आप सरफेस देख रहे हैं ये है, इसको हम बोलते हैं लेटरल सरफेस। ठीक है, ये लेटरल सरफेस है। इसके बीच में आपको ये स्पाइन दिख रही है, ये है स्कैपुलर स्पाइन। ठीक है, यानी कि ये स्पाइन डिवाइड करती है लेटरल सरफेस को दो पार्ट्स में। जो आपको कम पार्ट वाला सरफेस दिख रहा है ये है सुप्रा स्पाइनस, यानी हाँ, तो ये सरफेस है सुप्रा स्पाइनस फोसा और ये है इंफ्रा स्पाइनस फोसा। सुप्रा स्पाइनस फोसा एकोमोडेट करता है सुप्रा स्पाइनेटस मसल को, इंफ्रा स्पाइनस फोसा एकोमोडेट करता है इंफ्रा स्पाइनेटस मसल को। ये स्कैपुलर स्पाइन है और यहाँ पे आपको जो ब्रॉड बीच में आपको दिख रहा है ये पार्ट, इसका नाम ट्यूबर स्पाइन है। ये जो पोर्शन है इसको हम ट्यूबर स्पाइन बोलते हैं और ये यहाँ पे होती है अटैचमेंट ऑफ ट्रेपीजियस मसल। ठीक है, तो जो ये वाला पोर्शन होता है ये पिग्स में जो है बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं स्कैपुलर स्पाइन फर्दर चल रही है। ये आपको अगर दिख रहा है ध्यान से आप देखिए, ये आपको पॉइंटेड प्रोसेस जो दिख रहा है ये है एक्रोमियन प्रोसेस। ठीक है, यहाँ से जो है एक्रोमियन प्रोसेस से ओरिजिनेट करता है डेल्टॉइडियस मसल। ठीक है, और इसके अलावा ये आप देख रहे हैं एंड सुप्रास्पाइनस फोसा और इंफ्रास्पाइनस फोसा, इनकी रेशियो होती है 1:3। ठीक है, ये भी लेटरल सरफेस की बात हुई है। अब हम जो है मीडियल सरफेस की बात कर लेते हैं। ये इसका मीडियल सरफेस है। मीडियल सरफेस में अगर आप ध्यान से देखें तो आपको यहाँ पे सीरेशंस दिखेंगे, यानी कि डिप्रेशन से दिखेंगे। ये एक डिप्रेशन है, ये आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, और ये दूसरा डिप्रेशन है, ट्रायंगुलर डिप्रेशन है, एक दो और ये नीचे, ये यहाँ पे तीन, तीन डिप्रेशन हैं। तो यहाँ पे एकोमोडेट होता है कौन सा मसल, ये जो आपको फोसा यहाँ पे दिख रहा है ये है सबस्कैपुलर फोसा और यहाँ पे एकोमोडेट होता है सबस्कैपुलरिस मसल। अब क्योंकि ये हमारी इंफ्रास्पाइनेटस फोसा है यानी कि ये बैक साइड में आएगा, तो यहाँ पे एकोमोडेट होते हैं सीरेटस थोरासिस मसल। ये एंटीरियर साइड है, यहाँ पे एकोमोडेट होते हैं सीरेटस सर्वाइसिस मसल, इनको कंबाइनली बोलते हैं सीरेटस वेंट्रलिस मसल। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बॉर्डर की। बॉर्डर ये वाला एंटीरियर बॉर्डर है, ये पोस्टीरियर बॉर्डर है और ये डॉर्सल बॉर्डर है। ठीक है, अब जो एंटीरियर बॉर्डर और डॉर्सल बॉर्डर हैं इनसे मिलके जो एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं क्रेनियल एंगल। जो पोस्टीरियर और डॉर्सल बॉर्डर से मिलके एंगल बनेगा वो बनेगा पोस्टीरियर एंगल। और जो नीचे आपको यहाँ पे एंगल, एक्चुअली ये एंगल है, ये इसको एंगल बोलते हैं, इस एंगल को इसको एंगल बोलते हैं, ये बोलता है ग्लिनॉइड एंगल। ठीक है, अब इसके अंदर और अगर मैं बताऊं आपको, तो आप इंफ्रास्पाइनेटस में नीचे आए, यहाँ पे आपको एक एरिया मिलेगा रफ सा, यहाँ पे अटैचमेंट होती है टेरस माइनर मसल की। ठीक है, अब इसके स्कैपुलर डिस्टल साइड में बात कर लेते हैं। ये आपको जो दिख रही है ये है ग्लिनॉइड कैविटी, ये आर्टिकुलेट करती है विद द ह्यूमरस टू फॉर्म शोल्डर जॉइंट। ठीक है, अब इसकी हम अगर बात करें तो ये वाला पोर्शन जो आपको दिख रहा है ये, इसको हम बोलते हैं सुप्रा ग्लिनॉइड ट्यूबरकल और ट्यूबर स्कैपुले। इसका काम क्या होता है, ये ओरिजिन देता है बाइसेप्स ब्रैचियस मसल को। ठीक है, और अब आप इसके अगर मीडियल साइड में आएंगे,
यहाँ पे, तो आपको ये वाली जो दिख रही है इसका नाम है कोराकॉइड प्रोसेस। ये अटैचमेंट देती है कोराकोब्रैकियलिस मसल को, ठीक है। तो इसके अलावा और एक पॉइंट अगर मैं बताऊँ आपको कि जो एंटीरियर एंगल होता है वो थिन होता है, जो पोस्टीरियर एंगल है वो थिक है, सॉरी जो एंटीरियर बॉर्डर है वो थिन है और जो पोस्टीरियर बॉर्डर है वो थिक है। उसके अलावा अगर हमें डिस्टिंग्विश करना है कि किस तरह से हम पता करें कि कौन सी जो स्कैपुला है वो राइट साइड की है या लेफ्ट साइड की है, सिंपल सी बात है, ये इसका एंड सुप्रास्पाइनस फोसा तो ये एंटीरियर साइड में होगा, ये इंफ्रास्पाइनेटस फोसा इंफ्रास्पाइनस फोसा तो ये पोस्टीरियर साइड में होगा। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं अगर ये इस तरह से है, तो जिस तरह मैंने कहा कि ये अगर एंटीरियर सुप्रास्पाइनस फोसा एंटीरियर साइड में होगा, यानी कि ये आगे की साइड में आएगा, तो सिंपल सी बात है ये लेफ्ट साइड की स्कैपुला है, ठीक है। तो स्कैपुला में इतना ही है।